नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आज गुरुग्राम में प्रस्तावित दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल मार्ग को लेकर सार्वजनिक परामर्श का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 872 किलोमीटर लंबाई का ये प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली के द्वारका से शुरू होगा और मानेसर, बावल, रेवाड़ी, बहरोड, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, गांधीनगर होते हुए अहमदाबाद में संपन्न होगा। प्रोजेक्ट के डिप्टी टीम लीडर विजय शर्मा के अनुसार ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा, यानी मेट्रो की तरह 9 से 10 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाना प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर पर हाई स्पीड रेल लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और दिल्ली से अहमदाबाद मात्र 3.5 से 4 घंटे में पहुँचाएगी। और वहाँ से आगे द्वारका गुड़गांव का जो एक्सप्रेस वे है उसके साथ इसका अलाइनमेंट प्रस्तावित किया गया है। और गुड़गांव से आगे रेलवे लाइन जो गुड़गांव जयपुर रेलवे लाइन है उसको वो फॉलो करेगा फिर रेवाड़ी तक, उसके बाद वो NH-8 को फॉलो करता हुआ सीधा जयपुर की तरफ जाएगा। तो ये प्रस्तावित हमारा अलाइनमेंट है जिसपे अभी हमारे सारे सर्वे इस वक्त इन प्रोसेस हैं।